हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सभी फ्यूचर मैकर साथियों का एक बार फिर से हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपकी पसंद को लेकर एक बहुत लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आए हैं। यहाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि CMD राधेश्याम जी की वो सभी औपचारिकताएँ पूरी हो चुकी हैं जिनको बाहर लाने के लिए तैयारी की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस महीने के लास्ट तक आपके CMD राधेश्याम आपके बीच खड़े होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको इस न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वक्त निवेशकों का पैसा मिलना मुश्किल थोड़ा ज़रूर होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कि पैसा ना मिल सके। जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर मैकर के CMD राधेश्याम जब तक जेल से बाहर नहीं आ जाते तब तक फ्यूचर मैकर के केस में कोई तेजी नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको यहां बता दूं कि फ्यूचर मैकर को चिटफंड स्कैन में फंस दिया गया था। लेकिन दोस्तों, आज भगवान का बहुत बड़ा एहसान है और उसका करम है कि जो आपके फ्यूचर मैकर को चिटफंड से बाहर कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, डाक के तीन पात, क्योंकि हम जानते हैं कि रजिस्टर्ड जो कंपनियां इस वक्त भारतवर्ष में 40-40 साल पुरानी थी, उन सभी कंपनियों को मैटर को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं PSEL निवेशकों की, जिनका 49,100 करोड़ रुपया कंपनी में फंसा हुआ है, और सहारा की, जिनकी इकाइयां सहारा की क्यू शॉप हो, और ना जाने कितनी ऐसी उनकी सोसाइटियों की भी। जी हाँ दोस्तों, जो सोसाइटियां हैं उनकी भी इस वक्त मैटर को ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। कुल मिलाकर यह है कि भारतवर्ष में जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां थी जो भारतवर्ष की गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड की हुई थी, उन सब कंपनियों के ऊपर एक बड़ी गाज गिराई गई। यहाँ दोस्तों, सरकार की कुछ गलत नीतियों के कारण विभागों की अथॉरिटी बढ़ाई गई और इन विभागों के द्वारा इन पर रेड लगाई गई। सेवा विभाग ने PSEL पर रेड मारी और सहारा पर रेड मारी, और इसी तरीके से CBI ने ना जाने कितनी ऐसी कंपनियों पर रेड मारी। दोस्तों, इन सब कंपनियों का इस वक्त मैटर बहुत उलझा हुआ है। इसकी वजह यही है कि जो लोकल कंपनियां खोली गई थी, जी हाँ दोस्तों, जो गली कूचे में कंपनियां खोल दी गई थी कि एक साल में दुगना और तिगना करने के लिए, वो बहुत बड़ा फ्रॉड हिंदुस्तान में चल रहा था और ना जाने कितने लोगों का पैसा ऐसे लेकर कंपनियां भाग गई थी। तो दोस्तों, उनकी आड़ में सभी रजिस्टर्ड कंपनियों को इस वक्त बैंड कर दिया गया है और उनके मालिकों को जेलों में डाल दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि फ्यूचर मैकर के होनहार बिजनेसमैन राधे श्याम जी को भी जेल में डाला हुआ है। या दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस वक्त फ्यूचर मैकर के फ्यूचर की। तो दोस्तों, इस वक्त फ्यूचर मैकर के जितने भी निवेशक हैं उनमें बहुत इस वक्त अपने पैसे को लेकर परेशानियां हैं, और अब उनके सामने कितनी मजबूरियां हैं ये इस वक्त भारत सरकार नहीं जानती। हम देख रहे हैं कि इस वक्त फ्यूचर मैकर के मामले को बहुत धीमी गति से चलाया जा रहा है, और इस चलाया जाने का सीधा मुख्य कारण यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त बहुत चरमराई हुई है, जो 70% से इस वक्त 27% पर, जी हाँ दोस्तों, 27% पर आ चुकी है। और ऐसे में करोड़ों अरबों रुपया जो इन कंपनियों के खातों से, या दोस्तों, इन कंपनियों के खातों से जो छीना गया है, इसको हम दोस्तों यहाँ छीना ही कहेंगे, क्योंकि इन्होंने इन कंपनियों के खातों पर सीज लगाई, और सीज लगाकर पूरा पैसा इनका इस वक्त भारत सरकार के अंडर में है। दोस्तों, ये एक दो कंपनी है, 3,000 से ज्यादा ऐसी कंपनी है जिनका अरबों खरबों रुपया इस वक्त सरकार के पास, और सरकार इस सारे पैसे को अपने, या दोस्तों, अपने कार्यों में लगा रही है और निवेशकों का खून पसीने के पैसों को इस वक्त देने के नाम पर केवल प्रक्रियाओं का झुंझुना हाथ में थमाया हुआ है। ये प्रक्रिया इतनी लंबी बन चुकी है कि निवेशकों का पैसा मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि राधेश्याम जी जब तक जेल से बाहर नहीं आएंगे, जब तक किसी भी, या दोस्तों, आपकी कंपनी का कोई मैटर सुलझने के आसार नहीं है, क्योंकि CMD सर बाहर आते ही अपने इस मैटर को सुलझाना जानते हैं। उनका यह काम बाएं हाथ का काम है दोस्तों, क्योंकि वह जानते हैं कि मैं बिल्कुल सही हूं और पाक साफ हूं। मैंने कहीं से कहीं तक किसी का कोई पैसा लेकर नहीं खाया, और ना किसी निवेशक को सताया, ना मैंने किसी की गवर्नमेंट का कोई टैक्स वसूली पर कोई अपनी नजर रखकर उसको छुपाया। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर आपको इस न्यूज चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए हर एक लेटेस्ट वीडियो जो आपको पसंद आए पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो मिलता है दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय फ्यूचर मैकर साथियों।